और यूपेश चंद्राकर दोनों आस पड़ोस के रहने वाले थे और आस पड़ोस के रहने के साथ साथ इनके बीच में बातचीत भी होती थी, लेकिन ज़्यादा बातचीत होती थी यूपेश चंद्राकर की पत्नी देविका चंद्राकर के साथ में। और बातचीत इतनी ज़्यादा होने लगी कि इनके बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो गया और प्रेम प्रसंग जो है आगे शारीरिक संबंध में बदल गया। उसके बाद एक दिन ये विवाद करने लगा मृतक जो है अपनी पत्नी से, बीच बचाव के लिए ये आरोपी आया। आरोपी ने और उसकी पत्नी ने मिल के उसको डंडे से मारा जिससे वो बेहोश होके गिर गया, उसको बिस्तर में लटा दिया। अब तो मौत हो गई, अब उस लाश को ठिकाने कहाँ लगाए, ये इनके मन में बड़ा सवाल था। तभी दो दिनों तक यानी कि मुकुंद त्रिपाठी के घर में लाश को बोरी में भर कर रखा जाता है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, मैं यशवंत साहू, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स और एक बार फिर एक क्राइम स्टोरी को लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ। ये कहानी बाकी कहानियों से काफ़ी अलग है, लेकिन इस तरह की कहानी आपने पहले भी देखी होगी और सुनी होगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिसका कोई भविष्य नहीं है, और अक्सर इस तरह के मामलों में हम देखते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में कई बड़े बड़े कांड होते हैं। या तो पत्नी पति को मार देता है, या तो पति पत्नी को मार देता है, या तो प्रेमी की हत्या कोई दोनों में से कर देता है। ये कहानी भी उनमें से थोड़ी एक है, लेकिन थोड़ी सी अलग इस कहानी में ये है कि हत्या करने के बाद दो दिनों तक शव को बोरी में भरकर रखा जाता है, और शव को बोरी में भरकर रखने के बाद दो दिन बाद बकायदा प्रेमी के ऑफिस में उसे दफना दिया जाता है। जिस तरह से दृश्यम फिल्म में हमने इस तरह की कहानी, इस तरह की चीज़ें देखी थी। खुलासा होता है छः महीने बाद यानी कि ये पूरा मामला जो है 8 दिसंबर 2023 का है, और खुलासा महासमुंद की पुलिस ने, महासमुंद जिले की पुलिस ने दो दिन पहले किया है। ये कहानी आपने वेबसाइट्स, अखबार, तमाम जगहों पर देखी होगी, लेकिन आज जो आप ये कहानी को आखिर तक देखिएगा, और इस कहानी में दो चीज़ें हैं जो सबक लेने वाली है। एक नशा नाश है, जो हमेशा मैं कहता हूँ कि कोई भी क्राइम स्टोरी बताता हूँ उसमें कोई ना कोई जो पात्र होता है वो नशे का आदि होता है, तो इस कहानी में नशे का आदि पति है जिसकी हत्या हुई है। यूपेश चंद्राकर महासमुंद शहर का रहने वाला था, जिसकी हत्या उसकी पत्नी देविका चंद्राकर और देविका चंद्राकर के प्रेमी ज्योतिष मुकुंद त्रिपाठी ने कर दी है। दूसरा पात्र है इसमें ज्योतिष मुकुंद त्रिपाठी। ज्योतिष मुकुंद त्रिपाठी और यूपेश चंद्राकर दोनों आस पड़ोस के रहने वाले थे, और आस पड़ोस के रहने के साथ साथ इनके बीच में बातचीत भी होती थी, लेकिन ज़्यादा बातचीत होती थी यूपेश चंद्राकर की पत्नी देविका चंद्राकर के साथ में। और बातचीत इतनी ज़्यादा होने लगी कि इनके बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो गया, और प्रेम प्रसंग जो है आगे शारीरिक संबंध में बदल गया। और उसके बाद इन दोनों का प्रेम, यानी कि आप समझ सकते हैं प्रेम का नशा और प्रताड़ना का एक कारण। अब महिला के हिसाब से पुलिस ने जो बताया है कहानी, पुलिस ने जो कहानी बताई है कि उसका पति जो है अक्सर इस बात को लेकर विवाद करता था, क्योंकि उसके पति यानी कि यूपेश चंद्राकर को ये जानकारी थी कि देविका और मुकुंद के बीच में कुछ चल रहा है, और इसीलिए दोनों के बीच में अक्सर घर में विवाद होता था। और घटना वाले दिन यानी कि 8 दिसंबर 2023 को भी इस बात को लेकर विवाद हुआ था, और विवाद वाले दिन, घटना वाले दिन यूपेश चंद्राकर शराब पीकर घर आया हुआ था और विवाद कर रहा था। तभी जो है उस दिन दोनों ने यानी कि मुकुंद त्रिपाठी और देविका चंद्राकर ने बात को मान ली थी कि इस बार हत्या करना है और रास्ते से हटाना है, और आगे की ज़िंदगी दोनों साथ जिएंगे, ऐसी इनकी योजना थी। लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं, और हर अपराधी कोई ना कोई अपराध करते समय कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है। तो इस कहानी में भी आपके मन में सवाल होगा कि भैया 6 महीने पहले की घटना है, पुलिस ने आज खुलासा कैसे किया। तो पुलिस लगातार इस मामले को लेकर जांच कर रही थी, और पुलिस जांच कर रही थी गुमशुदगी की रिपोर्ट पर। 8 दिसंबर को मर्डर करते हैं, मर्डर करने के बाद 14 दिसंबर को देविका चंद्राकर कोतवाली थाना महासमुंद जाकर रिपोर्ट दर्ज कराती है कि उसका पति पिछले एक सप्ताह से गायब है, जिसे पुलिस ढूंढे। पुलिस के पास कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक कॉल डिटेल होता है, जो कॉल रिकॉर्ड होते हैं वही एक मात्र साधन था, वही एक मात्र सोर्स था जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच करती है। और पुलिस ने बिल्कुल वैसे ही किया, 6 महीने तक इस केस को पर लगी रही, और 6 महीने तक बीच बीच पे इस पर इनपुट्स मिलते रहे, लेकिन इस
महीने यानी कि मई के इस महीने में पुलिस को तगड़ा इनपुट मिला और तगड़ा आधार मिल गया ये कहने के लिए और ये साबित करने के लिए कि यूपेश चंद्राकर गुमशुदा नहीं हुआ है, उसकी हत्या हुई है। और बाकायदा पुलिस ने ज्योतिष मुकुंद त्रिपाठी के दफ्तर यानी कि ज्योतिष कार्यालय से उसके शव को बरामद किया है। जिस तरह से दृश्यम फिल्म में शव को दफना दिया जाता है 5 फीट गड्ढे में, उसी तरह इस केस में भी 5 फीट गहरे गड्ढे में यूपेश चंद्राकर का शव को दफना दिया गया था। 8 दिसंबर वाली रात को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों के बीच में विवाद होता है, विवाद होने के बाद डंडे से एक दूसरे की पिटाई करते रहते हैं। इस बीच देविका चंद्राकर डंडा उठाती है और सिर पर वार कर देती है। चूंकि पड़ोस में रहने वाले मुकुंद त्रिपाठी भी वहाँ मौके पर पहुँचता है और इन सब अपराध में शामिल होती है देविका चंद्राकर की माँ अंजनी चंद्राकर, उसे भी पुलिस ने आरोपी बनाया है जो इन दिनों फरार चल रही है। घटना होता है, विवाद होता है, दोनों के बीच में मारपीट होती है, सिर पर डंडा मार दिया जाता है यूपेश चंद्राकर के, वो बेसुध अवस्था में घायल होता है। उसके बाद मुकुंद त्रिपाठी उसे पकड़ता है और उसे गिरा देता है, गिराने से उसकी मौत हो जाती है। अब तो मौत हो गई, अब उस लाश को ठिकाने कहाँ लगाए, ये इनके मन में बड़ा सवाल था। तभी 2 दिनों तक यानी कि मुकुंद त्रिपाठी के घर में लाश को बोरी में भर कर रखा जाता है, लाश स्मेल ना आए इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है ताकि और कोई किसी को जानकारी ना हो। बाकायदा अगरबत्ती जलाते हैं, परफ्यूम छींटा जाता है घर में, फिनॉयल छींटा जाता है और उस जगह को पूरी तरह से साफ़ किया जाता है जहाँ पे ब्लड के निशान थे। अब उसके बाद एक सवाल था कि भाई अब इस लाश को ठिकाने कहाँ लगाया। 2 दिनों तक मुकुंद त्रिपाठी के घर पे लाश को रखा गया और जब दूसरे दिन जब लाश को ठिकाने लगाने की बारी आई तो रात में बाकायदा एक बॉक्स मंगाया गया और बॉक्स मंगवाने के बाद मुकुंद त्रिपाठी के ज्योतिष केंद्र के यानी कि कार्यालय में उसे दफनाया गया 5 फीट गहरे गड्ढे खोदकर। बाकायदा मुकुंद और देविका ने गड्ढा खोदा और गड्ढा खोदने के बाद उसके शव को वहाँ पे दफन कर दिया। और वो दफन एक शव नहीं हुआ था, बहुत सारे राज भी दफन हो गए थे। लेकिन मैंने जो कहा था शुरू में, कानून के हाथ लंबे होते हैं और हर अपराध में अपराधी कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है। तो इस मामले में भी पुलिस के पास तगड़ा सबूत था, कॉल रिकॉर्ड। देविका चंद्राकर और मुकुंद त्रिपाठी लगातार आपस से बातचीत करते रहते थे, लगातार इनकी बातचीत होती थी और वही एक बड़ा आधार बना जब मुकुंद त्रिपाठी को ट्रेस में लिया गया, मुकुंद त्रिपाठी को हिरासत में लिया गया और उससे कड़ाई से पूछताछ की। पहले तो कहानी बनाता रहा कि मैं नहीं जानता, नॉर्मली बातचीत होती है, मेरे पास वो भविष्य दिखवाने के लिए आती थी इस तरह से। और इनके प्रेम की शुरुआत भी इसी तरीके से हुई थी। भविष्यवक्ता चूँकि मुकुंद त्रिपाठी है, वो अपना लोगों को भविष्य बताता है, तो इस मामले में भी देविका चंद्राकर भविष्य जानने के लिए गई थी और इनके बीच में बातचीत शुरू हुई और इनके बीच प्रेम प्रसंग स्थापित हो गया। तो पहले पुलिस को घुमाने लगा, पुलिस कंफ्यूज होती रही, लेकिन जब क्रॉस सवाल किए गए, मुकुंद त्रिपाठी से क्रॉस सवाल किए गए, देविका चंद्राकर से क्रॉस सवाल किए गए, तो दोनों के सवाल अलग अलग आए और वहीं इन दोनों पकड़े गए। उसके बाद कड़ाई से पुलिस ने पूछताछ की, फिर पूरे राज, पूरी बात, पूरी कहानी मुकुंद त्रिपाठी ने बताई। उसके बाद देविका चंद्राकर को बुलाया गया, देविका चंद्राकर से भी पूछताछ की गई, देविका चंद्राकर ने पूरी कहानी बताई। आप आगे सुनिएगा इस मामले में महासमुंद DSP क्या कुछ कह रहे हैं इस कहानी को लेकर, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले का खुलासा किया, 6 महीने पहले की घटना और आज इस मामले को लेकर खुलासा हुआ है। आगे वीडियो देखेंगे कि किस तरह से इस अपराध को कांड किया गया है और किस तरह से इस अपराध को अंजाम दिया गया है। इस कहानी में 2 सबक हैं, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिसका कोई भविष्य नहीं होता, अक्सर ऐसे मामले आते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के, उसका अंजाम उसमें हमेशा दस्तक देता है, वो है क्राइम। और दूसरा नशा नाश है, तो इस मामले में भी नशा करता था यूपेश चंद्राकर, नशा करने के पीछे उसने वजह बताई थी, उसकी पत्नी का चक्कर जो है भविष्यवक्ता ज्योतिष मुकुंद त्रिपाठी के साथ था और इसीलिए इसी गम में वो शराब पीता था। आप आगे सुनिए वीडियो में क्या कुछ इस केस को लेकर कह रहे हैं। लेकिन इस तरह के केस आपने पहले भी देखे होंगे, लेकिन ये केस कई केसों के हिसाब से अलग है। और इस तरह का एक मामला सामने आया था, मुझे याद है गंडई में भी प्रेमी और उसकी पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी थी और हत्या करने के बाद बकायदा लाश के टुकड़े किए थे, लाश के टुकड़े करने के बाद उसे फ्रिज में भर दिया गया था। दुर्ग पुलिस ने इस केस का खुलासा किया था क्योंकि मायके जो लड़की का वो दुर्ग था और यहाँ से इस पर केस का खुलासा हुआ था। और आप आगे सुनिए इस महासमुंद पुलिस ने इस विषय को लेकर, इस केस को लेकर क्या कुछ कहा है। मेरा नाम मनीष कुमार चंद्राकर है, ग्राम बिरकोनी महासमुंद का रहने वाला हूँ। मृतक क्या लगता है? यूपेश चंद्राकर मेरे भाई है, बड़े भाई हैं। कैसे पता चला आपने? अभी शाम को फ़ोन आया था
थाने से कि कुछ संदिग्ध बॉडी मिले घर के। एक्चुअली भैया लापता थे दिसंबर से, तो अभी शाम को फोन आया था मैम का कि कुछ आपने को बिल्डिंग में कुछ मिला है घर के, तो फिर उसके बाद अभी क्लियर हुआ। मेरे को पंचनामा के लिए बुलाए थे तो कंफर्म हो गया कि मेरे भाई है घर। कैसे आप शिनाख्त किए कि आपका भाई है? उनके कपड़े से और उनके हेयर स्टाइल से और बॉडी का पूरा वो है। अच्छा, क्या अनुमान है क्यों हत्या किया गया होगा आपके? अब ये जांच का विषय है सर, अब इसके बारे में सर ही लोग बता पाएंगे कारण क्या है। एक्चुअली आप लोग भाई कहाँ रहते थे? बिरकोनी में रहते थे। बिरकोनी में रहते थे और 20 नवंबर 2023 को महासून शिफ्ट हुए थे। चंद्राकर जी, यूकेएस की जो मुकुंद त्रिपाठी जो हत्यारा है जी, इसमें मर्डर में शामिल है, तो उससे संपर्क में कैसे आए? क्या आपको कोई जानकारी संबंध में उनके संबंध में? तो त्रिपाठी कहाँ से आ गया, क्योंकि उनसे अपने कोई हमारा दूर दूर तक कोई पहचान भी नहीं। इसमें आरोपी है मृतक की पत्नी और उसका पड़ोसी और उसकी सास, और घटना ये हुई कि दोनों आरोपियों के बीच में अवैध संबंध था। ये बीच में व्यवधान था, ये मृतक शराब पीने का आदि था, अक्सर लड़ाई झगड़ा करता था पत्नी से, पत्नी आजीद आ चुकी थी इससे, इससे इन दोनों ने कुछ प्लानिंग की। उसके बाद एक दिन अचानक, वो तो करना ही था, उसके बाद एक दिन ये विवाद करने लगा मृतक जो है अपनी पत्नी से। बीच बचाव के लिए ये आरोपी आया, आरोपी ने और उसकी पत्नी ने मिल के उसको डंडे से मारा, जिससे वो बेहोश होके गिर गया, उसको बिस्तर में लटा दिया। बाद में उसके शरीर में रस्सी और टेप बांधकर एक बड़ी लोहे की पेटी में डालकर ठेला से ले आके लोहानी बिल्डिंग में अपने किराए के घर में आंगन में 5 फीट गहरा गड्ढा खोद के बोरे में उसको दफना के, और उसके बाद उसको यथास्थिति में टाइल्स ऊपर पैक करवा दिया। इसकी जानकारी पत्नी को थी, और पत्नी घटना की जब रिपोर्ट की थी गोविंद सान की, उसके पश्चात थाने एक बार भी नहीं आई थी, ना अपने पति के संबंध में कोई उसने पूछताछ की। मुखबिरों द्वारा ऐसा सूचना मिला कि कुछ संदिग्ध है ये व्यक्ति, आरोपी जो है, इस पर शादी वर्दी में घर के आसपास मुखबिर लगाए गए और उन्होंने कुछ ये जानकारी दी इनके संबंधों के संबंध में। साइबर की टीम को भी लगाया, साइबर प्रभारी संतोष सिंह, उसके बाद ये प्रोबेशनर DSP मोनिका श्याम, साइबर प्रभारी प्रकाश सिंह जो प्रधान आरक्षक है, एक टीम बनी और जिनको SP साहब के द्वारा लगातार गाइडेंस दिया गया। उसके पश्चात इनको बुलाया गया पूछताछ पे, कबूल कर लिया इसने अपना जुर्म। उसके बाद SDM साहब से अनुमति लेकर शव उत्खनन करवाया गया। एग्जूम होने के बाद उसकी शिनाख्त की उसके भाई ने, मृतक के भाई ने। उसके बाद इसमें 302, 201, 120 बी 34 का अपराध पंजीबद्ध करके आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में प्रयुक्त डंडा और वो गड्ढा खोदने के लिए जो घमेला फावड़ा इस्तेमाल था, सब जब्त हो गया है। आरोपियों को गिरफ्तार करके आज रिमांड में भेजा जा रहा है। मुकुंद त्रिपाठी, देविका चंद्राकर, दो लोग गिरफ्तार है जिनका नाम इसमें प्रेस नोट में है। दोनों आरोपी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, उसको भी गिरफ्तार करके आपको सूचित कर देंगे। हमें सास है, सास की गिरफ्तारी होना बाकी है। नंबर अंजनी चंद्राकर, अंजनी चंद्राकर उसका रोल क्या है? साथ में थी घटना के समय, वो मौजूद थी वहाँ, उसने भी मारने में मदद किया, पैकिंग वैकिंग में सब मदद वही की थी। क्या पूरा मामला है और क्या कार्रवाई आपके द्वारा की? 14 दिसंबर 2023 को गुम इंसान दर्ज हुआ था यूपेश चंद्राकर के नाम से, जिसके जांच के दौरान ये पता चला कि मुकुंद त्रिपाठी नामक एक व्यक्ति है जो यहाँ क्लब पारा में रहता था, उसके किराए के मकान के बगल में, उससे उसका कुछ विवाद था, जिस विवाद के कारण ये इसने इस घटना को अंजाम दिया। जब इसको हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया तो इसने अपना अपराध कबूल किया, और इसकी निशानदेही पर हमने लोहानी बिल्डिंग ललवानी गली में जाकर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के साथ शव खनन करवाया, जिसमें हमको लाश बरामद हुआ। क्या कहानी है, क्यों विवाद, क्या था? अब अभी वो विवेचना जारी है इसमें कि क्या कारण था। प्रारंभिक तौर पर ये जहाँ तक लग रहा है ये प्रेम संबंध का कुछ ऐसा मामला है। अभी आरोपी को हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ जारी है। मैडम, जो रूपेश चंद्राकर है कहाँ का रहने वाला है और वो उसकी वाइफ कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, प्रथम दृष्टया क्या दिख रहा है? यूपेश चंद्राकर बिरकोनी का निवासी है, जो वहाँ खेती किसानी और फसी पत्थर का काम उसका फैक्ट्री है,
जो यहाँ किराए के मकान में रहता था, उसकी बेटी जो है यहाँ पढ़ाई करती थी, जिसके कारण उन लोग किराए में यहाँ आकर के रह रहे थे। प्रेम संबंध का जो बात आ रहा है, तो महिला क्या करती है, कहाँ है, क्या नाम है? महिला शिक्षिका है, अभी इसमें विवेचना जारी है। जो प्रेम संबंध का जो एंगल हम लोग देख रहे हैं, वो सही पाया जा सही है या नहीं, इसमें हम लोग अभी जांच जारी है। बॉडी कैसे की हो? जी, बॉडी जो रिकवर की गई है, तो क्या जमीन में दफनाई गई थी, कहाँ थी, कैसे दफनाई गई थी, ये जी, हम लोग आरोपी की निशानदेही पर जब लालवानी बिल्डिंग पहुँचे, जहाँ पर इसका किराए का मकान था, तो इसने बताया कि ये जो ज़मीन है, इसमें इसने 5 फीट गड्ढा करके वहाँ पे बॉडी को दफनाया था। ऊपर भी फर्श से जो फर्शी पत्थर होता है, उसे ढकवा दिया था। देखिए, जो मृतक है वो इस घर पे नहीं रहता। जी, जो आरोपी है वो वहाँ पे रहता था, तो आखिर मृतक को इस घर तक आरोपी ने लाया कैसे, ये भी वो अभी उससे पूछताछ जारी है। पूछताछ होने के बाद आगे इसकी बताया जाएगा। इसके बाद आरोपी करता क्या था? आरोपी तो एक ज्योतिषी है, वो ज्योतिषी का काम करता है।